अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लेसन नंबर 2 को कंटिन्यू कर रहे थे। इसका हम टॉपिक नंबर कौन सा पढ़ेंगे? टॉपिक नंबर 2, लेसन नंबर 2, पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। लेसन नंबर 2 के पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर का टॉपिक नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसमें मजीद 2 पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कौन से थे? कीबोर्ड एंड अदर वन इज माउस। कौन से 2 पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर के बारे में डिस्कशन करेंगे? यस, कीबोर्ड एंड माउस। टॉपिक के सबसे पहले पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर की पिक्चर आ गई है हमारे पास। डिड यू नो अबाउट द पिक्चर? यस, एंड द नेम इज, एनी गेस? यस, कीबोर्ड। इस पिक्चर जो इस कंप्यूटर के पार्ट का नाम क्या है? यस, कीबोर्ड। हियर वी कैन लर्न अबाउट कि कीबोर्ड हमारे पास कीबोर्ड को हम क्यों यूज़ करते हैं, कीबोर्ड हम जो है वो किन कामों के लिए यूज़ करते हैं। द कीबोर्ड इज़ यूज टू इंटर द डेटा इन टू द कंप्यूटर। कीबोर्ड का किसके लिए यूज़ करते हैं? कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करने के लिए, यानी डेटा को डालने के लिए, डेटा को इनपुट करने के लिए, भेजने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं? कीबोर्ड। जस्ट एग्जांपल के हम कंप्यूटर में अगर हम अपना नाम लिखना होता है तो हमें वो कंप्यूटर पे नाम लिखने के लिए डेटा किसके थ्रू पुट कर रहे होते हैं? यस, कीबोर्ड के थ्रू पुट कर रहे होते हैं। अच्छा, आप लोगों में से कोई मुझे ये बता सकता है कि कीबोर्ड का नाम कीबोर्ड क्यों रखा गया था? एनी वन? यस, लेट मी टेल, मैं बताती हूँ। कीबोर्ड को कीबोर्ड इसलिए कहा जाएगा, इसलिए कहा जाता है बिकॉज ऑफ इस कीबोर्ड में बहुत सारी कीज़ होती हैं, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया था? कीबोर्ड। वेरी गुड। द बटन ऑन द कीबोर्ड इज कॉल्ड कीज़। जो कीबोर्ड के हमारे पास जो बटन्स होते हैं, जो बहुत सारे बटन्स होते हैं, और उन बटन्स को क्या कहते हैं? कीज़। उन बटन्स को हम क्या कहते हैं? कीज़। वेरी गुड। इट हैज़ 104। हमारे पास जो नॉर्मल जो कीबोर्ड्स होते हैं उसमें हमारे पास कितनी कीज़ होती हैं? 104। कितनी कीज़ होती हैं? 104। इट इज़ रेक्टेंगल इन शेप। कीबोर्ड की शेप क्या होती है? रेक्टेंगल शेप में हमारे पास मौजूद होता है। इट इज़ एन इनपुट डिवाइस। ओके, कीबोर्ड को हम इनपुट डिवाइस इसलिए बोला जाता है बिकॉज ऑफ कीबोर्ड में अगर हमें कोई डेटा पुट करना होता है, हमें अपना नाम वगैरह मेंशन करना होता है, लिखना होता है, तो हम कीबोर्ड के थ्रू उसमें पुट करते हैं। किसके थ्रू पुट करते हैं? कीबोर्ड के थ्रू पुट करते हैं, इसीलिए हम कीबोर्ड को क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस कहते हैं। और कंप्यूटर के जो है पार्ट की पिक्चर आ गई, इसका नाम तो बिल्कुल ईजी है। आई थिंक यू नो वेरी वेल अबाउट द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। यस, एंड द नेम इज माउस। एंड द नेम इज माउस। वेरी गुड। नाउ हियर वी कैन लर्न के माउस हमारे लिए कैसे यूजफुल है, माउस किस काम के लिए यूज़ करते हैं, माउस की क्वालिटीज़ क्या हैं, माउस क्या छे। बेसिकली हम यहाँ पे देखेंगे कि द माउस हेल्प अस टू ड्रॉ पिक्चर्स एंड पॉइंट एट थिंग्स ऑन द कंप्यूटर। माउस हमारे किसके लिए मदद करता है? कंप्यूटर में पिक्चर्स बनाने के लिए और किसी भी कंप्यूटर में किसी चीज़ को पॉइंट करने के लिए। इट्स मीन कि हमारे पास किसी भी कंप्यूटर के स्क्रीन पे जब हम पॉइंट कर रहे होते हैं तो वो हमें पॉइंट करने के लिए हम माउस को यूज़ कर रहे होते हैं, और कंप्यूटर पे ड्राइंग वगैरह करने के लिए हमें क्या करना करते हैं? माउस को यूज़ करते हैं। माउस इधर इट हैज़ 2 बटन्स। कि माउस में कितने बटन्स होते हैं? 2। द पॉइंटर इज़ एन एरो। इट्स मीन दैट कि जब हम कंप्यूटर के माउस को जब हम अपने माउस को जब हम मूव करवा रहे होते हैं तो हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन मॉनिटर के जो स्क्रीन होती है उसमें हमारे पास एक एरो मूव हो रहा होता है। इट्स मीन कि जब हमारे पास माउस का जो पॉइंटर होता है वो क्या होता है? एरो होता है। द पॉइंटर इज़ एन एरो, यानी माउस का पॉइंटर जो पॉइंट करने के लिए क्या होता है? एरो होता है। इट इज़ एन इनपुट डिवाइस। ये हमारे पास इनपुट डिवाइस है, इसको हम इनपुट डिवाइस इसलिए कहते हैं बिकॉज ऑफ जब हम कंप्यूटर में माउस को जब मूव करवा रहे होते हैं तो हमें स्क्रीन पे जो है वो एरो शो हो रहा होता है, और यूजिंग द एरो हम किसी भी अपने फोल्डर या किसी भी वीडियो या किसी भी चीज़ को हम ओपन कर सकते हैं, उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं यूजिंग द माउस। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस कहते हैं। नाउ वेट फॉर माई अपकमिंग वीडियो, नई वीडियो के लिए टॉपिक नंबर 3 के लिए वेट फॉर करें। तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।